फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रिबाउंड द लाइट बैक इन द सेम और डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे एक है शाइनिंग सरफेस, यानी आपको सरफेस बताना है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तो ऑप्शन इसमें होंगे ही नहीं क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको सरफेस बताना है। अब बचा मिरर और लेंस, तो लेंस जो है ना वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और मिरर ही जो है वो लाइट को रिबाउंड कर पाता है यानी रिफ्लेक्ट कर पाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड। वो बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट मतलब बहुत सारी लाइट जब आती है तो उन्हें बीम ऑफ लाइट कहते हैं। स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, मान लीजिए कोई यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस रखा हुआ है, मिरर या मिरर रखा हुआ है, तो कह रहा है वो लाइट जो आती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आपको पता चाहिए उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल रे। तो जो आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली आती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। और यहाँ पे एक बीच में बनती है उसे कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल जो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें पूछा है कि जो स्ट्राइकिंग लाइट है यानी जो लाइट जो है मिरर पे पड़ रही है वो कौन सी होगी, तो वो होगी इंसिडेंट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंड ऑफ सेवन कलर्स इज कॉल्ड। लाइट का जो सेवन कलर्स में बैंड होना होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है स्पेक्ट्रम। फ्रंट बेल्ज पार्ट ऑफ द आईबॉल इज कॉल्ड। आईबॉल का जो फ्रंट पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है कॉर्निया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड एंड कोन सेल्स इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर जो रॉड और कोन सेल्स होते हैं उसके, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है उसके लिए। कौन सा सेंसिटिव टू डिम लाइट, कौन सेल्स जो होते हैं वो डिम लाइट को सेंस करते हैं, कौन सा ब्राइट लाइट को या फिर वो सेंस करते हैं, या फिर रॉड सेल जो होते हैं वो ब्राइट लाइट को सेंस करते हैं, या फिर रॉड कैन सेंसर कलर, या फिर रॉड जो है वो कलर को सेंस करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है भी कौन आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यानी जितने भी ऑप्शन है सब गलत है। और कौन सा वाला, ये वाला जो है ये सही है कि ब्राइट लाइट को जो है वो कौन सेल सेंस करता है। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड एज। अगर कभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी तो इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से, या फिर एंगल आर बड़ा होगा एंगल आई से। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर पे, और एंगल आई एंगल आर और नॉर्मल जो है वो तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। ये दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज एज अ बैक व्यू मिरर। वो मिरर आपको बताना है जो कि पीछे के देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बैक व्यू मिरर के लिए यूज़ करते हैं। उसका सही जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर। विजुअली इंपेयर्ड पीपल कैन रीड एंड राइट यूजिंग। जो वो लोग जो देख नहीं सकते तो या फिर सुन नहीं सकते तो वो लोग अपनी जो पढ़ाई है वो किस तरीके से पूरी करते हैं, वो लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है ब्रेल सिस्टम। उनके लिए अलग तरह की बुक्स होती हैं जिसमें ब्रेल सिस्टम से डॉटेड लाइन से सब कुछ लिखा होता है और वो लोग उसी को टच करके जो है अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं। द इमेज फॉर्म बाय अ कैमरा एंड अ सिंपल माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली। वो इमेज जो कि एक कैमरा बनाता है और एक माइक्रोस्कोप बनाता है वो क्या होती हैं। कैमरा जो बनाता है वो रियल होती है और माइक्रोस्कोप जो बनाता है वो रियल होती है, या फिर कैमरा रियल बनाता है और माइक्रोस्कोप वर्चुअल बनाता है, कैमरा वर्चुअल और माइक्रोस्कोप दोनों वर्चुअल बनाता है, या फिर कैमरा वर्चुअल बनाता है और माइक्रोस्कोप रियल बनाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी, यानी कैमरा जो है वो रियल इमेज बनाएगा और माइक्रोस्कोप जो है वो एक वर्चुअल इमेज बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर कोई मान ली यहाँ पे जो है ये मिरर है, अब कह रहा है कि अगर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे है वो 90 डिग्री सरफेस से बना रहा है, देखिए यहाँ सरफेस से बना रहा है, तो और पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो ये बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा नॉर्मल से पता करते हैं कि नॉर्मल से कितना है, ये तो सरफेस से कह रहा है 90 डिग्री, तो नॉर्मल से यहाँ पे आपको पता चल रहा है कितना है। देखिए नॉर्मल से यहाँ पे जो है वो है जीरो, नॉर्मल भी बीच में है और उसी पे पड़ रही है आपकी इंसिडेंस है, यानी नॉर्मल और इंसिडेंस दोनों बराबर बराबर है। तो इंसिडेंस से और नॉर्मल से एंगल ऑफ एंगल कितना है जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा जीरो। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी जीरो। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। इनमें से कौन सा जो है वो एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, तो इसका सही आंसर जो है वो है पॉलीथीन। प्लास्टिक बैग्स आर जनरली मेड फ्रॉम विच प्लास्टिक। प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो कौन सी प्लास्टिक से बने होते हैं, पैक पॉलीथीन बैकलाइट या मेलामाइन। तो इसका सही आंसर जो है वो है पॉलीथीन। विच ऑफ दिस इज फाइबर ड्राइव फ्रॉम केमिकल्स। वो कौन सा फाइबर है जो कि केमिकल से बनाया गया है, रेयन कॉटन या डी सिल्क। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी नायलन। द प्लास्टिक इन विच मोनोमर्स आर अरेंज इन अ स्ट्रेट चेन आर नोन एज। वो प्लास्टिक जिसमें कि मोनोमर्स जो है वो अरेंज रहते हैं एक स्ट्रेट चेन में उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जो है वो है ए थर्मोप्लास्टिक्स। देन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। नायलन को किस ईयर में डिस्कवर्ड किया गया था, तो इसका सही आंसर जो है वो 1931 ए। विच वन इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें से कौन सा ऐसा है जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसका सही आंसर जो है वो है ए मेलामाइन। द मटेरियल विच इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग किचन कंटेनर्स। वो मटेरियल जो कि किचन कंटेनर्स बनाने के लिए, किचन का सामान बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसका सही आंसर जो है वो है पैट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंस। यहाँ आपको यहाँ पे तीन तीन का पेयर दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि ग्रुप है जिसमें सारे जितने भी सब्सटेंस यहाँ पे दे रखे हैं वो सिंथेटिक है। नायलॉन, टेवलॉन, वूल, कॉटन, पॉलीकॉट, रेयन, एक्रिलिक, सिल्क, वूल या पीवीसी पॉलीथीन बैकलाइट। तो इसका सही आंसर जो है डी पीवीसी पॉलीथीन और बैकलाइट। ये जितने भी हैं ये सिंथेटिक सब्सटेंस हैं। व्हाट आर सिंथेटिक मटेरियल मोस्टली मेड आउट ऑफ। सिंथेटिक फाइबर्स जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो इसका सही है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से बने होते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बायोडिग्रेडेबल है यानी जिसे हम लोग गला सकते हैं, तो इसका है वुलन क्लॉथ, एल्युमिनियम कैन, प्लास्टिक बैग या रेनकोट, तो इसका है वुलन क्लॉथ। सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स आर गिवन बिलो, चूज सेट दैट हैज़ एन इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आपको जो है सेट दे रखे हैं कुछ रिप्रोडक्टिव टर्म्स के, तो इसमें आपको वो सेट चूज करना है जो कि इनकरेक्टली कॉम्बिनेशन यानी गलत मिला हुआ है इसमें, तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, ये वाला। तो ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं वो सारे मेल में होते हैं, यहाँ पे फीमेल में और यहाँ पे ये मेल में है और बाकी से फीमेल में और यहाँ पे फीमेल में, इसलिए ये वाला सी वाला गलत सही ऑप्शन है क्योंकि इसमें ये एक मेल का वो दे रखा है। इन ह्यूमन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग टेक प्लेस इन द, ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, तो इसका सही आंसर जो है वो है यूटेरस। इन द लिस्ट ऑफ एनिमल गिवन बिलो, हैन इज द आउट वन, ऑड वन आउट, ह्यूमन बींग, काउ, डॉग, हैन। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे जितने भी आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हमने हैन को आउट कर दिया है, तो उसका रीज़न बताना है कि इसमें ऑड क्यों है, हैन क्यों ऑड है। तो देखिए ह्यूमन बींग भी डायरेक्ट जो है अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, काउ भी डायरेक्ट और डॉग भी, लेकिन हैन जो है पहले एग देती है उसके बाद उसमें से बच्चा निकलता है, तो इस वजह से इसका जो है सही आंसर है वो है इट इज़ ओवीपोरस, क्योंकि हैन जो है एक ओवीपोरस है और बाकी जितने भी दे रखे हैं ये वीवीपोरस है। रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग टेक प्लेस इन, बर्डिंग से रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो इसका सही आंसर जो है वो है हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर बर्डिंग से होता है।